Good morning everyone, I welcome you all on the MCIT digital platform, right? Today we will discuss about the Columba Livia, or we can say Columbus Livia skeleton system. Firstly, जब हम बात करते हैं skeleton system की, तो skeleton system pigeon का यानी कि Columbus Livia का जो skeleton system है वो different वर्टिब्रल कॉलम से बना होता है, यानी कि कशेरुक दंड के द्वारा ये फॉर्म होता है, इसका निर्माण कशेरुक दंड के द्वारा होता है, जो कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, हेड रीजन के नीचे से लेकर, सिर भाग के नीचे से लेकर टेल रीजन तक प्रेजेंट रहता है। अब ये वर्टिब्रल कॉलम डिफरेंट कशेरुकाएँ द्वारा निर्मित होता है, यानी कि डिफरेंट वर्टिब्रा यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ऑलराइट, तो डिफरेंट वर्टिब्रा एक साथ यूनाइट होकर, एक साथ मिलकर एक वर्टिब्रल कॉलम को फॉर्म करते हैं। तो हम बोलेंगे वर्टिब्रा सबसे छोटा यूनिट है जो कि सारे मिलकर एक वर्टिब्रल कॉलम को बनाते हैं, इसको फॉर्म करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पिजन कहाँ से बिलोंग करता है, एवीज से, यानी कि बर्ड्स ग्रुप से बिलोंग करता है, और बर्ड्स में क्या होता है, उन्हें अच्छी फ्लाइट चाहिए, राइट, क्योंकि वो क्या करते हैं, फ्लाइट करते हैं, उड़ान भरते हैं, तो उनकी फ्लाइट के लिए उनकी जो बोन्स हैं वो काफ़ी अडेप्टेड हैं, उनमें अनुकूलन निर्मित हुआ है, अडेप्टेशंस हुए हैं, राइट। अब ये अडेप्टेशंस कैसे हैं, जब हम देखते हैं तो इनकी जो बोन्स हैं वो मोस्टली हमें समेकित दिखेगी, यानी कि फ्यूज्ड बोन्स मिलेंगी, सारी बोन्स अलग अलग ना होकर फ्यूज़ हो जाती हैं एक दूसरे में, ताकि इजीली उनका जो वेट है वो रिड्यूस हो सके। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो बोन्स हैं उनमें फ्यूजन हो रहा है, समेकित हो रही हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं। और क्यों मिलती हैं, उसके दो रीजंस हैं, अगर कोई बोन फ्यूज़ हो जाएगी, मिल जाएगी, समेकित हो जाएगी, तो उनमें से कुछ प्रोसेसेस जो होंगे वो क्या होंगे, हट जाएंगे, राइट। एक हम बात कर रहे हैं कि चार बोन्स ऐसे प्रेजेंट हैं, तो इनमें सारे प्रोसेसेस प्रेजेंट रहेंगे, राइट, लेकिन यही बोन्स जब फ्यूज़ हो जाएंगी तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगी और बहुत शॉर्ट हो जाएगी। नॉर्मली हम बोलेंगे कि इसका जो बॉडी वेट है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया, ठीक है, कुछ रिडक्शन वहाँ पर होगा। तो फ्यूजन का मतलब ये हुआ कि क्यों फ्यूजन होता है, पहली बात बॉडी वेट जो है, इनका जो भार है वो रिड्यूस हो सके, और बॉडी वेट क्यों कम करना है, क्यों रिड्यूस करना है, ताकि वो इजीली फ्लाइट कर सके, उड़ सके, आसानी से अपने फैदर्स के थ्रू वो उड़ सके। तो फ्लाइट के लिए बॉडी वेट रिड्यूस करना भी ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन है, इसलिए इनकी बोन्स फ्यूज हो जाती हैं। कुछ हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी बोन्स में एक नॉर्मली अगर हम बात करें तो फ्यूजन तो हो ही रहा है, प्लस इनकी बोन्स लाइट वेटेड भी होती है, तो लाइट वेटेड या तो फ्यूजन की वजह से हो रही है, या उनकी जो कैविटी है वो हॉलो होती है, उसकी वजह से भी वहाँ पर फ्यूजन होता है। दूसरी चीज़, जब हम वर्टिब्रा की बात करते हैं तो वर्टिब्रा या इनके वर्टिब्रल कॉलम का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, राइट, एक प्रॉपर फॉर्मूला में हम इनके वर्टिब्रल कॉलम को, कशेरुक दंड को लिखते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो इसके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा होगा, यानी कि ग्रीवा कशेरुक, राइट, ग्रीवा कशेरुक, सर्वाइकल ग्रीवा, यानी कि ये नेक भाग में उपस्थित रहेंगे। दूसरी हम बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा होगा, यानी कि ये कौन से भाग में प्रेजेंट होंगे, वक्ष के भाग में, राइट। तीसरी हम बात करेंगे वक्षीय भाग में है, थोरेक्स रीजन में उपस्थित,
तीसरी हम बात करेंगे लंबर की, राइट, लंबर वर्टिब्रा। एंड फोर्थ हम बात करेंगे कॉडल वर्टिब्रा। ठीक है, इस तरह से वर्टिब्राज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। लंबर वर्टिब्रा जो होता है ये कुछ स्टमक के आसपास प्रेजेंट होता है, राइट, और कॉडल बिल्कुल एंड भाग में, बिल्कुल पूंछ वाले भाग में, टेल वाले रीजन में कॉडल वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। बीच में एक सेक्रल वर्टिब्रा भी होता है जो कि यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो जब हम इनको एज अ शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, सर्वाइकल को हम सी से, थोरैसिक को टी से, लंबर को एल से, एक सेक्रल वर्टिब्रा होता है उसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, और लास्टली कॉडल की अगर हम बात करते हैं तो कॉडल को अगेन हम सी से डिनोट कर देते हैं। तो जब हम एक वर्टिब्रल कॉलम का यहाँ पर फॉर्मूला डिफाइन करते हैं तो फॉर्मूला डिफाइन करते समय हम लिखते हैं C14 1 T3 L2 S6 C7 plus 3। ये हमारा फॉर्मूला होता है, किसका है, सॉरी L6S2 होगा, L6S2। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है वर्टिब्रल कॉलम का, और इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम पूरे हमारे वर्टिब्रा को डिफाइन करते हैं कि किस तरह से वर्टिब्रा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है और इसी के आधार पर हम आगे जाकर वर्टिब्रा को डिफाइन करें। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करें तो सर्वाइकल वर्टिब्रा 14 है यहाँ पर, ठीक है, 14 है, जिसमें से फर्स्ट का नाम है एटलस, सेकंड का नाम है एक्सस, ठीक है, थर्ड हो जाएगा टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, जब हम सर्वाइकल की बात कर रहे हैं, जब हम थोरेसिक वर्टिब्रा की बात करते हैं, चलो पहले सर्वाइकल को ही देख लेते हैं कि पहली वर्टिब्रा स्पेशल है यहाँ पर सर्वाइकल में, जो स्टार्ट कर रही है जस्ट, उसको हम एटलस, सेकेंड एटलस से अटैच होती है एक्सिस, और थर्ड बाकी बचे हुए जितने भी वर्टिब्रा हैं वो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के टाइप्स होते हैं, जो कि सेम होते हैं सारे के सारे, बस वन और टू जो होते हैं वो यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा की, तो थोरेसिक वर्टिब्रा यहाँ पर दो टाइप से प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं फ्यूज्ड थोरेसिक वर्टिब्रा और एक होते हैं फ्री थोरेसिक वर्टिब्रा। फ्यूज्ड का मतलब हुआ कि जो यूनाइटेड हैं टुगेदर, एक साथ जुड़े हुए हैं, और फ्री का मतलब हुआ कि वो अलग अलग यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करते हैं, 14 है, 14 में से फर्स्ट टू तो एटलस एंड एक्सिस हो जाएंगे, बाकी बचे हुए सारे टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। दूसरी बात करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थोरेसिक की, तो 1T3 है, यानी कि एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा यहाँ पर एड होगा, ठीक है, एंड T3 मतलब 3 फ्यूज्ड थोरेसिक वर्टिब्रा जो हैं वो यहाँ पर ऐड होंगे, और ये फ्यूज्ड थोरेसिक वर्टिब्रा बनाएगा, यानी कि 3 थोरेसिक के ऐड होंगे, एक सर्वाइकल का ऐड होगा, ये मिलकर फ्यूज्ड थोरेसिक वर्टिब्रा बनाएंगे, और बाकी बचे हुए कैसे होंगे, फ्री थोरेसिक वर्टिब्रा, देखेंगे हम आगे स्ट्रक्चर वाइज। लास्टली हम बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनता है इन तीनों से मिलके जिसे हम बोलते हैं सिनसेक्रम,
यानी कि जो सेक्रल पार्ट है वो यूनाइट करके एक स्ट्रक्चर बना रहा है, एक प्रॉपर एक सिंगल स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट right? एक ही संरचना बना रहा है, सारे मिलकर फ्यूज होकर समेकित होकर, तो उसे हम नेम देते हैं सिनसेक्रम या सिनसेक्रल वर्टिब्रा, राइट right? यहाँ भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक फ्री थोरेसिक पार्ट लेता है यहाँ पर, प्लस इसके साथ लंबर वर्टिब्रा जो है वो 6 होंगे, सेक्रल वर्टिब्रा 2 पार्ट लेते हैं और कॉडल 7। तो इनको मिलाकर हम बात करते हैं तो कम से कम 15 से 16 वर्टिब्रा यहाँ पर अटैच रहते हैं, यानी कि 7 ये हो गए 14, 15, 16। तो 15 से 16 वर्टिब्रा एक साथ कंबाइन होकर एक सिंगल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम नेम दे रहे हैं सिनसेक्रम। और लास्ट की हम बात करते हैं तो कॉडल वर्टिब्रा की, यहाँ पर फ्री कॉडल वर्टिब्रा प्रेजेंट होंगे जो कि 3 हम लिखते हैं, यहाँ पे 3 डिनोट किया है हमने, तो फ्री कॉडल वर्टिब्रा लास्ट में प्रेजेंट होंगे। और एक और स्ट्रक्चर जो यहाँ बनता है वो होता है पाइगो स्टाइल, यानी कि यहाँ पे भी कॉडल वर्टिब्रा एक साथ यूनाइट करके पाइगो स्टाइल का स्ट्रक्चर फॉर्म करते। तो इस तरह से वर्टिब्रा जो है पिजन में वर्टिब्रल कॉलम में अरेंज्ड रहते हैं। नाउ ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि स्टार्टिंग सर्वाइकल है, फिर थोरेसिक है, फिर सिनसेक्रम है और फिर लास्ट में पाइगो स्टाइल प्रेजेंट है। तो हम स्टार्टिंग से लेंगे एटलस, एटलस का हम एक एक वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से ये प्रेजेंट हैं। सबसे पहले फर्स्टली देख लेते हैं एटलस का स्ट्रक्चर। फर्स्ट हम बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा की, और सर्वाइकल वर्टिब्रा हमने बोला कहाँ प्रेजेंट है, नेक रीजन में प्रेजेंट है। और नेक रीजन में प्रेजेंट होते हुए फर्स्ट पार्ट हमारा आता है एटलस का, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं एटलस वर्टिब्रा की। राइट जब हम इसकी बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है जस्ट रिंग लाइक और छल्ले नुमा आकृति में इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, राइट रिंग जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। सेकेंडली जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कुछ प्रोसेसेस भी निकले रहते हैं, जैसे यहाँ से एक प्रोसेस निकलेगा, ठीक है, एक प्रोसेस यहाँ से निकलेगा साइड्स से, और फिर इसे कवर कर लेगा। तो कुछ प्रोसेसेस यहाँ पर हमारे इस पोर्शन से निकलते। अब एटलस है स्टार्टिंग सर्वाइकल वर्टिब्रा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये कहाँ से अटैच्ड होगा, स्कल रीजन से। स्कल रीजन से इसका अटैचमेंट है, और स्कल से इसका अटैचमेंट होने के साथ साथ ये आगे जाकर किससे अटैच्ड होगा, एक्सिस से, ठीक है। तो यहां पर एक कैविटी है, किसके लिए है कैविटी, ओडोन्टॉइड प्रोसेस के लिए, जो कि नीचे वाले वर्टिब्रा में प्रेजेंट होगा। एक प्रवर्ध है जिसे हम दंतव प्रवर्ध भी बोलते हैं, तो यहां पे ओडोन्टॉइड प्रोसेस के लिए एक कैविटी होगी जो कि कॉनकेव होती है, इसे हम कॉनकेविटी भी बोलते हैं कि इससे यहाँ पर अटैच हो। वहीं यहाँ पर एक फेसेट होगा जो कि स्कल भाग से भी अटैच्ड होगा, तो उस फेसेट
को हम नाम देते हैं फेसेट, मतलब एक अटैचमेंट पॉइंट है जो कि डायरेक्ट स्कल से अटैच्ड है। बीच का जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरल केनाल है, राइट। न्यूरल केनाल प्रेजेंट है और यहाँ पर एज सच कोई प्री जाइगैपोफाइसिस नामक संरचना नहीं है, पोस्ट जाइगैपोफाइसिस कोई सेंट्रम नहीं है, कोई प्रोसेसेस नहीं है, न्यूरल प्रोसेसेस जिन्हें हम बोलते हैं, सिर्फ न्यूरल केनाल प्रेजेंट है, ठीक है। और रिब्स से अटैचमेंट भी नहीं है, यानी कि इसका जुड़ाव भी रिब्स के साथ नहीं, बस हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक छोटी सी कैविटी है जिसे हम न्यूरल केनाल के नाम से बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है, फेसेट है ओडोन्टोइड प्रोसेस के लिए और कॉनकेविटी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। इसे हम एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू के अकॉर्डिंगली, यानी कि अग्र आगे से कैसा है, पीछे से कैसा है, उस तरह से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हुई एटलस की, राइट। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं सेकेंड काइंड के वर्टिब्रा की, तो उसको हम नाम देते हैं एक्सिस। और एक्सिस जस्ट कहाँ प्रेजेंट रहेगी, इसके जस्ट नीचे की तरफ एक्सिस प्रेजेंट रहेगी। पहले तो हमने बोला कि ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर एब्सेंट रहेंगे। अब दूसरी बात करते हैं हम एक्सिस, एक्सिस का स्ट्रक्चर देखते हैं। राइट, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर एक्सिस में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर पोस्ट जाइगैपोफाइसिस प्रेजेंट रहता है, प्री जाइगैपोफाइसिस है और ओडोन्टोइड प्रोसेस है। अब हम जाइगैपोफाइसिस प्री को हम बोल सकते हैं अग्र जाइगैपोफाइसिस, पोस्ट को पश्च जाइगैपोफाइसिस, ओडोन्टोइड प्रोसेस दंतव प्रवर्त। यहाँ पर सेंट्रम भी प्रेजेंट है, उपस्थित रहेगा, राइट। और नीचे की तरफ यहाँ पर हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस भी प्रेजेंट रहता है। सो इस टाइप से हम जब बात करते हैं एक्सिस की, एक्सिस प्रेजेंट रहता है। एक्सिस का जो है पार्ट ओडोन्टोइड प्रोसेस वो जुड़ेगा हमारी एटलस से, और एटलस से जुड़ने के बाद ये कंबाइन हो जाएगा उसी के साथ। नीचे हाइपोफाइसिस पोर्शन है तो वो भी नीचे एज अ रिजल्ट प्रेजेंट रहता है एक्सिस में, लेकिन ऊपर वाले एटलस में एज सच कोई रीजन प्रेजेंट नहीं था। दूसरी चीज़, यहाँ पर प्री एंड पोस्ट दोनों प्रेजेंट हैं, पहले वाले में ये सारे जाइगैपोफाइसिस प्रेजेंट नहीं थे, ना कोई अटैचमेंट था यहाँ पर, राइट। और इन फेसेट्स के थ्रू क्या होता है, इजीली अटैचमेंट हो सकता है। सेकंड चीज जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर तो प्री जाइगैपोफाइसिस है, यहाँ पर एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट यहाँ पर ये जो है ये न्यूरल स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जब हम देखते हैं तो एज सच यहाँ पर जब हम एंटीरियर व्यू की बात कर रहे हैं, पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो यहाँ एक कॉनकेविटी मिलेगी जिसे हम बोलते हैं ऑसिपिटल
कॉन्डाइल, राइट। यहां पे किससे अटैचमेंट नहीं है, रिब्स से कोई अटैचमेंट यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। और अब हम थर्ड बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा की, टिपिकल वर्टिब्रा की। जब टिपिकल वर्टिब्रा देखते हैं हम सर्वाइकल का, तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से प्रेजेंट रहता है। कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहता है, ऑलराइट। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन टिपिकल वर्टिब्रा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर न्यूरल स्पाइन प्रेजेंट है, एक बीच में कंटक प्रेजेंट है। ये है हमारा पोस्ट जाइगैपोफाइसिस, यहाँ पर प्री जाइगैपोफाइसिस प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा अग्र जाइगैपोफाइसिस। ये जो है यहाँ पर ये सर्वाइकल रिब्स से अटैच्ड है ये वाला पार्ट, तो रिब्स के लिए अटैचमेंट है, राइट। फेसेट फॉर रिब्स हम बोल सकते हैं। सेकेंड चीज जो यहाँ देखने को मिलती है वो यहाँ पे एक वर्टिब्रेटरियल फिशर या हम बोल सकते हैं फेसेट भी अटैच रहता है। अब ये दोनों प्रेजेंट हैं, इससे ये अटैच करेगा टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। और ये सारे टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से इनका अटैचमेंट हमें देखने को मिल जाता है। नाउ जब हम सर्वाइकल वर्टिब्रा को देखते हैं तो इस टाइप की वर्टिब्राज हमें दिखेंगे। सेकेंडली सर्वाइकल के बाद जब हम जाते हैं दूसरे टाइप की वर्टिब्रा पे, तो हम बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा की। सर्वाइकल वर्टिब्रा के बाद बात करते हैं थोरेसिक वक्षीय वर्टिब्रा की, तो थोरेसिक वर्टिब्रा भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होगा फ्यूज्ड, जो कि जुड़ा हुआ है सबसे, और दूसरा होगा फ्री, यानी कि जो खुला हुआ है। फ्यूज्ड मतलब हुआ समेकित, जो कि काफ़ी सारे थोरेसिक्स को या थोरेसिक वर्टिब्रा को एक साथ कंबाइन कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री वर्टिब्रा की, फिर बात करेंगे फ्यूज्ड वर्टिब्रा की। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ हमें देखने को मिलता है फ्री थोरेसिक वर्टिब्रा में। इसमें क्या क्या प्रोसेसेस प्रेजेंट रहेंगे,
सबसे पहले इसे हम बोलते हैं न्यूरल स्पाइन, राइट। यहाँ पे न्यूरल कैनाल प्रेजेंट रहेगी, ये सेंट्रम पोर्शन होगा जो कि यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ये है हाइपोफाइसिस, ये हमारे हो जाएंगे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, जो कि हम बोलते हैं कि बाहर की तरफ निकले हुए हैं प्रवर्ध, अनुप्रस्थ प्रवर्ध जिन्हें नाम देते, ठीक है। ये कैनाल हो जाएगी, ये हमारे हो जाएंगे प्री जाइगेपो, सॉरी, ये हमारी हो जाएगी प्री जाइगेपो फाइसिस, राइट। तो इस तरह से फ्री थोरेसिक वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। वहीं हम अगर फ्यूज्ड थोरेसिक वर्टिब्रा की बात करते हैं, तो फ्यूज्ड थोरेसिक वर्टिब्रा कुछ डिफरेंट से स्ट्रक्चर्स को शो करता है, राइट। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्रा में देखा जाता है, और इसलिए हम इसको नाम देते हैं फ्यूज्ड थोरेसिक वर्टिब्रा। जब बात करते हैं बीच वाले पोर्शन की, तो यहाँ प्रेजेंट होगा सेंट्रम, यहाँ होगा प्री यानी कि अग्र जाइगोपोफाइसिस, यहाँ पे फेसेट है फॉर आर्टिक्यूलेशन, यहाँ पे भी एक फेसेट है फॉर आर्टिक्यूलेशन, एक रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करता है, एक पेल्विक गर्डल के साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक। ये पोस्ट जाइगोपोफाइसिस रीजन हो जाएगा। सो इस तरह से यहाँ हम देखेंगे कि बहुत सारे जो थोरेसिक वर्टिब्रा हैं वो यहाँ पर फ्यूज्ड रहते हैं, एक साथ हैं, इसलिए हम इसको नेम दे रहे हैं फ्यूज्ड थोरेसिक वर्टिब्रा, इस टाइप से अरेंज होता है। और जब हम फ्री थोरेसिक वर्टिब्रा की बात करते हैं, तो ये इस टाइप से अरेंज होता है। ये कैसे होंगे, कितने नंबर में होंगे, इसकी हम ऑलरेडी फॉर्मूला के थ्रू देख चुके हैं। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह से प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंसेक्रम की। सिंसेक्रम की जब हम बात करते हैं, तो इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है ये अच्छा सा स्ट्रक्चर सिंसेक्रम। कुछ फ्लावर पॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये इसी तरह से यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। सो जब हम इसको देखते हैं, इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल फ्लावर वेज जैसा लगेगा, और इस पे बहुत सारी बोन्स अटैच रहेंगी, फ्यूज रहेंगी, समेकित रहेंगी, इसलिए हम इसको नेम देते हैं सिंसेक्रम, यानी कि सेक्रम के साथ साथ और भी बोन्स जो है यहाँ पर जुड़ी हुई रहेंगी।
राइट। सो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और जब हम इसको इन्वर्स करके देखते हैं तो हमें ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन उस इन्वर्स में हमें कुछ फेसेट्स टाइप के इस तरह से स्ट्रक्चर्स विजिबल होते कि यहाँ पर फेसेट्स या होल्स जैसे स्ट्रक्चर्स उपस्थित हैं। ठीक, तो जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर ये तो है प्री जाइगैपोफाइसिस, यहां पर फ्यूज्ड हो गई हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, प्लस यहां पर थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा, लंबर वर्टिब्रा भी। तो लंबर वर्टिब्रा भी यहाँ पर प्रेजेंट है एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पर सेक्रल वर्टिब्रा भी फ्यूज हो गए, तो फ्यूज्ड सेक्रल वर्टिब्रा, सॉरी फ्यूज्ड कॉडल वर्टिब्रा, कॉडल वाले हैं नीचे वाले और सेक्रल जो है यहाँ पर बीच में कहीं प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम बोलेंगे फ्यूज सेक्रल वर्टिब्रा। तो चारों आ गए, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉडल, और बीच में कैनाल प्रेजेंट होगा और न्यूरल कैनाल जिसे हम नाम दे सकते हैं। तो इस तरह का सिंसेक्रम स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी वेट को रिड्यूस कर देता। अब सेक्रम के बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की, जो कि कॉडल स्ट्रक्चर है, कॉडल वर्टिब्रा है, राइट। कॉडल वर्टिब्रा में भी हम इसे टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। टू टाइप्स में कैसे डिवाइड कर रहे हैं, एक रहेगा हमारा फ्री कॉडल वर्टिब्रा और दूसरा रहेगा हमारा फ्यूज्ड कॉडल वर्टिब्रा, राइट। पहला फ्री, दूसरा फ्यूज्ड कॉडल वर्टिब्रा। जब हम फ्री कॉडल की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ हमें इस टाइप से देखने को मिलता है। राइट, ये हमारा फ्री कॉडल वर्टिब्रा होता है जिसमें ये क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, यानी कि प्रवर्ध हैं, और ये सेंट्रम है जो यहाँ प्रेजेंट रहेगा, ऊपर की तरफ प्री जाइगैपोफाइसिस प्रेजेंट रह सकते, राइट। सो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स फ्री कॉडल वर्टिब्रा में हमें देखने को मिलते हैं जो कि आगे की तरफ प्रेजेंट होंगे। वहीं हम फ्यूज्ड कॉडल की अगर बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, राइट। यहाँ पर ये अपर पार्ट हुआ, ये लोअर पार्ट हुआ, ये लास्ट का एक पार्ट है, और ये जो थ्री वर्टिब्रा फ्यूज्ड हैं इनको हम देते हैं फ्यूज्ड कॉडल वर्टिब्रा, यानी कि सबसे लास्ट के जो कॉडल वर्टिब्राज हैं वो यहाँ पर फ्यूज हो गए, कंबाइन हो गए, एंड एज अ रिजल्ट जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उस स्ट्रक्चर को हम नेमिंग देते हैं पाइगोस्टाइल। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पाइगोस्टाइल, जो कि लास्ट में टेल पार्ट में
प्रेजेंट रहता है। सो इस टाइप से हमारा जो विजन है उसका वर्टिब्रल कॉलम वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने बात की थी सर्वाइकल की। सर्वाइकल के 3 टाइप्स हो गए, एटलस, एक्सिस एंड टिपिकल सर्वाइकल, ठीक है। दूसरी बात की हमने थोरेसिक की। थोरेसिक के भी 2 टाइप्स हो गए, फ्यूज्ड एंड फ्री थोरेसिक। थर्ड बात की हमने सिंसेक्रम की। सिंसेक्रम को हमने यूनाइट कर दिया, इसमें थोरेसिक भी था, लंबर भी था, सेक्रल भी था और लास्टली कॉर्डल भी था। थोरेसिक 1 था, लंबर 2, लंबर 6, सेक्रल 2, ये 7, ठीक है। और लास्ट में हमने बात की कॉर्डल की, तो कॉर्डल भी फ्री भी है और फ्यूज्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट है, जिसे हम लास्ट में नाम दे देते हैं पाइगो स्टाइल। और हमारा फॉर्मूला बनता है फिर इसी के अकॉर्डिंगली, C14 1T3, मतलब इसका एक लेके थोरेसिक 3 प्रेजेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है हमारा L6S2C7, यानी कि यहाँ पे एक थोरेसिक यहाँ से आ रहा है तो वो भी यहाँ आएगा और लंबर 6 ये प्रेजेंट है और लास्ट में 3 है, दैट मींस 3 फ्री कॉर्डल प्रेजेंट है जो कि पाइगो स्टाइल को फॉर्म कर राइट। जो फ्री कॉर्डल है वो यहाँ पे इसके साथ यूनाइट हो जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर ले। सो इस टाइप से वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन हमारे होता है। नाउ जब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, तो आगे इनके स्ट्रक्चर में 2 गर्डल्स भी पाई जाती हैं। एक को हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, एक को हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल, यानी कि अंश मेखला और श्रोणी मेखला। जब हम अंश मेखला की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट होती है थोरेक्स रीजन में, वक्ष भाग में, लेकिन जब हम श्रोणी मेखला की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट है हमारे पेल्विक भाग में, यानी कि लेग और स्टमक पार्ट जहाँ पे अटैच्ड होता है उस पेल्विक रीजन में ये प्रेजेंट रहेगी। तो देख लेते हैं एक बार गर्डल्स को। गर्डल्स भी 2 टाइप की प्रेजेंट है, पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल गर्डल प्रेजेंट होगी, इसकी स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले ये जो गर्डल है ये कहाँ प्रेजेंट होगी, जो हमारा कंधे वाला भाग है और जो हमारा वक्ष वाला भाग है, यहाँ पर ये दोनों जुड़ी हुई होंगी। और जब ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होंगी तो यहाँ पर 4 बोन्स से मिलकर, 4 टाइप की स्ट्रक्चर से मिलकर ये बनती हैं राइट। और सेकेंडली हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये चारों स्ट्रक्चर्स मिलकर एक हम बोल सकते हैं पेक्टोरल गर्डल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, फिर सेकेंड पार्ट की, देन थर्ड पार्ट पे आएंगे। फर्स्ट पार्ट जो पेक्टोरल गर्डल का होता है वो होता है कोरेकॉइड, ठीक है। जब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो कोरेकॉइड के बाद आता है स्कैप्यूला, राइट। स्कैप्यूला के बाद आता है क्लाविकल और क्लाविकल के लास्ट में आएगा फर्क्यूला, यानी कि इन 4 पार्ट से मिलकर हमारी बर्ड्स की पेक्टोरल गर्डल अंश मेखला बनती है। जब कोरेकॉइड की बात करते हैं तो प्रोसेसेस देख लेते हैं किस तरह के प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं।
राइट। ये पार्ट स्कैप्यूलर पार्ट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हेड प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ऑलराइट, यहाँ पर कोरेकॉइड प्रेजेंट होता है। ये दो कोरेकॉइड्स हैं जो कि एक दूसरे से अटैच हैं। किस प्रोसेस के थ्रू अटैच्ड हैं, इसे हम नेम देते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, जो कि आगे की तरफ प्रेजेंट है। और ये प्रेजेंट कहाँ होगा, हमने बोला वक्ष भाग में, यानी कि थोरेक्स भाग में, प्लस जो शोल्डर्स हैं, कंधे वाला भाग है, वहाँ पर ये एक गर्डल के रूप में उपस्थित रहे, ठीक है। तो ये कोरेकॉइड प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं प्रवर्ध हैं ये कोरेकॉइड के। यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस है, यहाँ पर एक ट्रायोसियम नाम का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं स्कैप्यूला की, तो स्कैप्यूला शोल्डर्स पार्ट में प्रेजेंट रहता है। और स्कैप्यूला में जो कैविटी होती है उसको हम नाम देते हैं ग्लीनॉइड कैविटी। ग्लीनॉइड कैविटी से ये जो हैं फेसेट्स, ये जो आर्टिकुलेशन के फेसेट्स हैं, ठीक है, ये दोनों फेसेट्स रहेंगे। और ग्लीनॉइड कैविटी से स्कैप्यूला अटैच करता है कोरेकॉइड के थ्रू, दोनों जगह पे, दोनों शोल्डर्स से लेकर आता। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लैविकल की। आगे जाकर क्लैविकल में ट्रायोसियम फोरामेन नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ट्रायोसियम फोरामेन से क्लैविकल अटैच्ड होता है। ये थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है क्लैविकल का। और लास्ट पार्ट होता है फर्क्यूला, जिसको हम बोलते हैं कि ये वाई शेप्ड कुछ प्रोसेस होता है, राइट। एक छोटा सा पोर्शन लास्ट में ये क्लैविकल्स होते हैं। फर्क्यूला वाई शेप्ड है, इसको हम एक नाम देते हैं विशबोन, राइट। विशबोन के नाम से इसको हम कहते हैं। और बहुत फेमस सा है नाम क्लैविकल। जब भी हम पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्क्यूला का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। लास्ट में क्लैविकल्स जो हैं वो इससे मिलकर एक लास्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइपोक्लैडियन। हाइपोक्लैडियन ये स्ट्रक्चर लास्ट में दोनों क्लैविकल्स को यूनाइट करके एंड में प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मली हमने ये बात की कि कोरेकॉइड, स्कैप्यूला, क्लैविकल, फर्क्यूला, इन चारों से मिलकर इसका पेक्टोरल गर्डल फॉर्म होता है। कोरेकॉइड प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, फेसेट्स होते हैं, स्कैप्यूलर पार्ट है या स्कैप्यूलर फेसेट है। यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस है जो कि आगे की तरफ है, इसे हम हेड प्रोसेस भी कह सकते हैं। देन स्कैप्यूला है अटैच्ड होगा इससे दोनों शोल्डर्स की तरफ, उसमें ग्लीनॉइड कैविटी प्रेजेंट होगी। देन ट्रायोसियम फोरामेन क्लैविकल में प्रेजेंट होगा, और ट्रायोसियम फोरामेन स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इससे क्लैविकल्स अटैच्ड होते हैं। क्लैविकल्स आगे फर्दर बाइफर्केट होकर एक सिंगल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि हाइपोक्लेडियन कहलाएगा। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं फर्क्यूला बोन। जैसे हमने बोला वाई शेप्ड है, विश बोन है, इसको हम मैरी बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मैरी बोन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर पेक्टोरल गर्डल का हमारे प्रेजेंट होता है पीजन में। तो पीजन की पेक्टोरल गर्डल इस टाइप से प्रेजेंट रहेगी।